गुड मॉर्निंग, मोहित शर्मा, लेक्चरर, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़। सब्जेक्ट कोड 307, सब्जेक्ट नेम पावर सिस्टम सेकंड, टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन्स। ट्रांसमिशन लाइन्स क्या काम में आती है? पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसमिट करने के लिए अपन ट्रांसमिशन लाइन्स को यूज करते हैं। तो बेसिकली अपन ट्रांसमिशन लाइन्स को उनकी लेंथ और ऑपरेटिंग वोल्टेज के रेस्पेक्ट में कैटेगराइज करते हैं। तो तीन प्रकार की होती है ट्रांसमिशन लाइन्स। सबसे पहले वाली आती है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की बात करें तो इसकी लेंथ होती है अप टू 50 किलोमीटर एंड ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है अप टू 20 केवी। मतलब ऐसी ट्रांसमिशन लाइन जिसकी लेंथ 50 किलोमीटर से कम हो और ऑपरेटिंग वोल्टेज 20 केवी से कम हो, वो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की कैटेगरी में आती है। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए कैपेसिटेंस को अपन क्या कर देते हैं? नेगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि लेंथ कम होने के कारण जो कैपेसिटेंस फॉर्म होती है वो बहुत ही स्मॉल होती है, तो उसको अपन नेगलेक्ट कर देते हैं। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के एनालिसिस के लिए अपन जनरली एंड कंडेंसर मेथड यूज करते हैं। लाइन पैरामीटर्स चार प्रकार के होते हैं, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, संट कंडक्टेंस और संट कैपेसिटेंस। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन के लाइन में क्या नेगलेक्ट करते हैं? लाइन कैपेसिटेंस को नेगलेक्ट करते हैं। इसके बाद में आती है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ 50 किलोमीटर से तो ज़्यादा होती है और 150 किलोमीटर से कम होती है। ऐसे ही ऑपरेटिंग वोल्टेज को अगर अपन स्पेसिफाई करें तो ऑपरेटिंग वोल्टेज 20 केवी से ज़्यादा होता है और 100 केवी से कम होता है। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के लिए अपन कैपेसिटेंस को नेगलेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि कैपेसिटेंस की डेफिनेट वैल्यू होती है। अगर इसको नेगलेक्ट करेंगे तो अपने एरर आएगी। तो यहाँ पे इसके एनालिसिस के लिए दो मेथड होते हैं, नॉमिनल टी मेथड और नॉमिनल पाई मेथड। नॉमिनल टी मेथड में क्या करते हैं, लाइन रेजिस्टेंस और लाइन इंडक्टेंस कैपेसिटेंस के दोनों साइड में हाफ हाफ क्या कर देते हैं, अपन डिवाइड कर देते हैं। जबकि नॉमिनल पाई मेथड में क्या करते हैं, लाइन रेजिस्टेंस और लाइन इंडक्टेंस के दोनों तरफ हाफ कैपेसिटेंस सेंडिंग एंड पे और हाफ कैपेसिटेंस रिसीविंग एंड पे कनेक्ट करते हैं। इसके बाद में आती है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए क्या होता है, जो लाइन की लेंथ होती है वो कितनी होती है, 150 किलोमीटर से ज़्यादा जितनी भी लेंथ होती है वो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की कैटेगरी में आती है। अगर इसके ऑपरेटिंग वोल्टेज की बात करें, लॉन्ग ट्रांसमिशन के ऑपरेटिंग वोल्टेज की बात करें तो वो क्या होता है, 100 केवी से ज़्यादा होता है। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के एनालिसिस के लिए अपन जो लाइन पैरामीटर्स है, लाइन रेजिस्टेंस हुआ, लाइन इंडक्टेंस हुआ, संट कंडक्टेंस हुई, संट कैपेसिटेंस हुई, इनको अपन लंप्ड नहीं मानते, जबकि ये एक्चुअल रूप से क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का जब भी एनालिसिस होएगा तो इसमें जितने भी पैरामीटर्स हैं, लाइन पैरामीटर्स आर, एल, जी और सी, उनको अपन क्या मानते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड मानते हैं। और इसके एनालिसिस के लिए जो मेथड यूज होता है वो कौन सा मेथड यूज होता है, रिग्रेस मेथड होता है। रिग्रेस मेथड में बेसिकली क्या होती है, जो अपनी एंटायर लाइन है उसको अपन एन सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं, जिसमें पैरामीटर्स क्या होते हैं, लाइन पैरामीटर्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। उसके बेसिस पे अपन सेंडिंग एंड वोल्टेज और रिसीविंग एंड वोल्टेज की इक्वेशंस लिख के लाइन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। लाइन कॉन्स्टेंट्स जनरली क्या होते हैं, ए बी सी डी, जिनको अपन क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स भी कहते हैं। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए जब अपन लाइन शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए
जब अपन ABCD की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए एंड कंडेंसर मेथड यूज करेंगे। मीडियम ट्रांसमिशन के लिए जब अपन एनालिसिस करेंगे, ABCD वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए दो वैल्यूज आएगी, नॉमिनल टी मेथड के लिए अलग आएगी, नॉमिनल पाई मेथड के लिए अलग आएगी। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए क्या है, रिग्रेस मेथड यूज करेंगे। इसके लिए क्या होते हैं, पैरामीटर्स डिस्ट्रीब्यूटेड मानते हैं, तो इसके लिए भी अपन ABCD पैरामीटर्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। थैंक यू।